बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's leaves have all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed. And every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. याद है सोनेट, जब आप देवीगढ़ पहली बार आए थे तो मैंने आपको सुनाई थी और आपने मुझे भूल दिया था। सुख गया बेचारा। But thy eternal summer. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession. एकलव्य को बुलाओ। एकलव्य। प्यारे बेटे, ईश्वर की कृपा से रानी साहिबा आप खतरे से बाहर हैं, पर मन बहुत उदास है। ऐसे में तुम्हें खत लिखने के अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूं। बेटे, बस इस कागज कलम के साथ दो पलों के लिए मैं तुमसे बातें कर लेता हूं, वरना मेरी अपनी कोई भावना कैसे हो सकती। मैं तो इस किले की एक दीवार हूं, जिसका काम है इस किले में रहने वालों की रक्षा करना। मेरी जिंदगी का एक एक पल इस दीवार की एक एक ईंट है। अब ये दीवार बूढ़ी हो चली है बेटे, और बरसों से इस किले की चौकसी करने वाली ये आंखें अंधी हो रही हैं। कान छोटी से छोटी आहट सुन लेते हैं, पता नहीं वो क्या सुनने को बेताब है। शायद तुम्हारी पुकार सुनना चाहते हैं। जब पिता के बूढ़े हाथ कांपने लगे तो जवान बेटे का फर्ज होता है कि वो आकर उनका हाथ बटाए। तुम कहां हो बेटे? Hey!
माँ तो मर गई, अब एकलव्य आकर क्या करेगा? मेरे बेटे को बुलाओ। आंखें कैसी है बाकी? बिल्कुल ठीक है। ठीक? कुछ ठीक नहीं कुंवर साहब, सूरज की रोशनी में तो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। राजेश्वरी डॉक्टर साहब के पास ले गई थी, वो कह रहे थे कि वो क्या है कि वो फोटो सेंसिटिव हो गई है। हाँ माँ ने लिखा था, मैं डॉक्टर से बात करूंगा। रज्जू कैसी है? जी बस कृपा है, रज्जो दिन रात रानी माँ के साथ थी, कह रही थी कि रानी माँ आपको बहुत याद कर रही थी। Thank you.
सामने ऐसे करते हैं कभी? और रानी राजकुमार के कान खींचती है क्या कभी? अच्छा, तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो मुझे क्या करना चाहिए राजकुमार? सॉरी कहना चाहिए। I'm sorry, okay? Good you came, Harsh. वैसे रानी माँ के आखिरी समय में तुम्हें उनके साथ होना चाहिए था, आ जाना चाहिए था लंदन से। Anyway, it's too late now. Come on, let's go. सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही थी और चली गई। मैंने कहा मैं भी हूं तुम्हारा पति, मेरा नाम लो, पर नहीं, सिर्फ तुम्हारा नाम। मन में आया कि हद होती है, सिर्फ तुम्हारा नाम लिया चली गई। भाई जी, मैं हार्ट अटैक था, ठीक हो रही थी पर जल्दी तैयार हो जाओ, सूर्यास्त के पहले संस्कार करना है। अनवेयर व्हाइट धोती है, कमरे में रखवा दी, कल्चर है दे टच योर बॉडी, लेट्स गो, कम। उतावली हो रही हो बेटी, वो बुर्ज देख रही हो ना, बहुत ऊंचा है बेटी और तुम्हारे प्यार की सीढ़ी बहुत छोटी है, तुम चढ़ नहीं पाओगे। उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा? पूछा? क्या पूछा? कैसी है रज्जू? देखा, बच्ची का ख्याल रखना, भोली है, नादान है, उसका दिल मत तोड़ देना। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी कहाँ हो तुम? सुनिए भाई साहब, नंदिनी देवी घर में है? नंदिनी देवी तो यहाँ नहीं है। ओहो, कहाँ गई है जरा पता है? वो तो माँ के साथ मंदिर गई है। ठीक है, उनसे कहिएगा उनका भाई हर्ष उनसे मिलने आया है। ठीक है, बता दूंगी, दूंगा। ठीक है, तो मैं वापस लंदन चला जाता हूँ। समझ आया, माँ तो मर गई तो नंदिनी माँ के साथ मंदिर कैसे जा सकती है? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। जाने की बात मत करना, मेरे पास ना कोई नहीं है, रज्जो आती है रात को चली जाती है। रज्जो रात को भी यही रुकना, मुझे रात को बहुत डर लगता है, रुकोगी ना रज्जो? कैसी हो रज्जो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे बाबूजी कह रहे थे तुमने माँ का बहुत ख्याल रखा। रज्जू तो हमेशा ख्याल रखती थी माँ का, हमेशा। रानी माँ आपको बहुत याद कर रही थी, ये खत दिया रानी माँ ने और कहा अकेले में पढ़िएगा।
और फिर बोली रज्जो हर्ष का ख्याल रखना, बोली ना रज्जो। प्यारे बेटे, पता नहीं तुम्हारे हाथों को छू पाना किसके नसीब में लिखा है, मेरे या इस खत के। एक एक सांस संभाल कर ले रही हूँ, कहीं तुम्हारे आने तक ये सांसें खत्म ना हो जाएं। चाहती तो थी कि तुम्हें पुचकार कर, सहला कर, अपनी गोद में सुला कर समझाऊं, पर लगता है नहीं हो पाएगा। मेरा ये खत ही तुम्हें तुम्हारे जन्म का राज बताएगा। बेटे, राणा जयवर्धन तुम्हारे पिता नहीं हैं, वो तो पिता बन ही नहीं सकते थे, कुदरत ने उन्हें ऐसा ही बनाया है। मेरी शादी के बाद जब ये बात पता चली कि वो इस महल को वारिस नहीं दे सकते, तो तुम्हारी दादी ने सदियों से चली आ रही पुत्र कामिष्टि यज्ञ की परंपरा का सहारा लिया। हम लोग गंगोत्री गए। एकलव्य हमारे साथ था, पर रानी माँ को किसी साधु सन्यासी से ज्यादा एकलव्य पर भरोसा था, और मुझे भी। एकलव्य ही तुम्हारी और नंदिनी के पिता हैं। ये बात मैं इसलिए तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि अब तुम्हारे पिता को तुम्हारी जरूरत है। बूढ़े हो रहे हैं और अंधे भी। अगर उन्हें पता लगा कि ये राज तुम जानते हो तो वो समझेंगे कि मैंने अधर्म किया है। पर बेटे, मेरे लिए धर्म वही है जो महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था, धर्मः मतिभ्यः उद्धृतः।